हार कदम मिलकर साथ क्या चल लिए, आप ये मत मान लीजिएगा कि प्रभु सत्ता स्वीकार कर लिए हमने आपकी। हमें भी शमशीर के जोर पे आपकी रियासतों पे कब्जा नहीं करना है जनाब। हम तो चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में ऐसा दोस्ताना करार हो जाए जिससे हमारी सल्तनत के तहत आपकी रियासत भी दौलतमंद हो, फले फूले। बदल चुके हैं हम, अब वो पहले वाली जोर जबरदस्ती की जिद छोड़ दी है हमने, क्योंकि अब आपने एक राजपूत राजकुमारी हीर से विवाह कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि अब आपके मन में सभी राजपूतों के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। आप क्या चाहते हैं कि तौर में जो आपने नरसंहार किया है उसे हम भूल जाएं? याद है कितने राजपूत शूरवीरों का नरसंह वध किया था आपने, कितने राजपूतों की रणभूमि में लाशें बिछाई थी आपने, कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था वहां पे, दुर्ग में उपस्थित कितने भोले भाले निरपराध प्रजाजनों को मारा था आपने। हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप फिर ऐसा नहीं करेंगे? आइए हमारे साथ। चित्तौड़ में जो हुआ हम मानते हैं एक भूल थी हमारी, बेहद अफसोस है हमें अपनी उस गलती का, पर उसके बाद हमसे दोबारा ऐसा ना हो इसकी कामयाब और ईमानदार कोशिश की है हमने। बल्कि जो भी हमारे साथ बहादुरी से लड़े उनके लिए बड़ी इज्जत है हमारे दिल में, एहतराम करते हैं हम उनकी बहादुरी का, और ये है सबूत हमारे जज्बातों और अल्फाजों का। राजा जयमल और बहादुर पत्ता, चित्तौड़ के दो इंतहाई बहादुर और जांबाज जंगजू। हम ताउम्र इन जंगजुओं के बूतों को अपने सामने रखेंगे ताकि हमारे जहन में इन्हें देख देख कर इन्हीं की मानिंद बहादुरी का जज्बा आ सके। ठीक है शहंशाह, हम तैयार हैं आपके साथ मैत्री संधि के लिए। शहंशाह, प्रताप या मेवाड़ का राज परिवार आपके इन सब बातों से प्रभावित होगा, हमें तो अभी तक संदेह है इस पर। सुना है कुंवर प्रताप ने इतनी बड़ी पराजय के बाद भी साहस नहीं खोया है अपना, और चित्तौड़ से भी कई अधिक एक ऐसे भव्य नगर का निर्माण कर डाला है जिसके दूर दूर तक चर्चे हैं। आप इस समय एक घायल शेर और राजपुताने के घायल शेर बहुत खतरनाक होते हैं शहंशाह। इस दोस्ताना मशवरे के लिए तहे दिल से चलते हैं। मान सिंह फौरन हमारे सामने प्रताप के इस नए शहर का नक्शा तैयार करके पेश किया जाए। जी शहंशाह। राजीराज, हमारे पूरब दिशा में एक विशाल झील पिछोला है, बाकी सभी दिशाएं अरावली की ऊंची ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से अच्छादित है। राजीराज, शत्रु चाहे भी तो
हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। और वहां उस पहाड़ी से हम दिन रात हम शत्रु पर वार कर सकते हैं। हमारे शत्रु उन पहाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि हर संभावित आक्रमण से हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं। हाँ हमारे शेर, हम सब सुरक्षित हैं। इससे पहले कि हमारे शेर महोदय के सोने का समय हो जाए, आइए महल के बचे हुए भाग दिखा दें। आइए चलिए गौर प्रताप। शहंशाह, ये राजपूताना के विशाल और भव्य महल हैं। वास्तव में चारों ओर फैली दुर्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और पूरब में सागर से विशाल पिछौल झील से घिरे इस दुर्ग के अंदर इन्होंने कई छोटे छोटे महल बनवाए हैं, जो कई सुंदर चौकों और हवादार गलियारों से आपस में जुड़े हुए हैं। क्या क्या नाम है इन महलों के? एक एक का नाम जानना चाहते हैं। ये रहा अमर महल, वो रहा भीम विलास और वो बड़ा महल। ताजीराज, आपका दरबार अमर महल में। ये हमारे नाम पे रखा गया है। लो, फिर नन्हे बालक के नाम पे भी कुछ ना कुछ हो ही गया। किंतु राणा अजय सिंह के छोटे पुत्र के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। हमने स्वयं कुंवर प्रताप को मना किया था कि जब तक आप अपना नाम नहीं कमा लेते, आपके नाम के पीछे कुछ ना रखा जाए। ठीक यहाँ इनका विशाल शस्त्रागार है, जहाँ हर प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह किया गया है। बहुत खूब। रानी माँ, ये रहा आपका कृष्ण विलास। यहां आप ध्यान मग्न होकर साधना अर्चना कर सकती हैं। कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ अधिकतर समय इनके साथ नहीं, हमारे साथ रानी महल में बिताएंगी। नहीं देर भाई जी, लगता है कुंवर प्रताप को हमारे भविष्य की योजनाओं की भली भांति समझ है। हमारे लिए यही सर्वथा उपयुक्त स्थान है ना राणा जी? आप उचित कह रही हैं जयंता भाई जी। इस नगर के एक ओर पहाड़ी है और दूसरी ओर झील है। इस नगर को आसानी से घेरा नहीं जा सकता शहंशाह। अगर कोई भी सेना इस पर आक्रमण करती है तो राजपूती सेना उसे कहीं से भी आकर घेर सकती है और शत्रु पर आक्रमण कर सकती है। प्रताप ने इस बार अपने नगर को बचाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, मानना पड़ेगा। पर क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो इस नगर को चलाने और उसके बचाव के लिए उसका साथ दे सकें? उसके सभी बड़े सिपा सलार तो शहीद हो चुके हैं, उसका दरबार तो खाली होगा। इस नए नगर के बचाव और उसकी फौज में जोश भरने वाले जंगजू कहाँ हैं प्रताप के पास? लगता है दरबार में सब लोग एकत्रित हो गए। हमें चलना चाहिए कौन प्रताप? राणा जी, आज पहला दिन है और आप आज से ही काम शुरू। छोटी माँ, बिना समय गवाए हमने सोचा क्यों ना दाजीराज के नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए, इसीलिए दरबार बुलाया गया है हमें। आइए दाजीराज। यह आवश्यक भी हो गया है
क्योंकि चित्तौड़ युद्ध में आपने सारे विश्वास मंत्री, सारे सामंत और सारे सेनापति खो चुके थे। खोया कहाँ है आपने उन्हें राणा जी? आपके सभी सामंत, सभी मंत्री, सभी सेनापति अमर हो चुके हैं, हमारे पुरखों की तरह। ये भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं जयंता भाई जी, और वैसे भी इतना विशाल महल है, एक दिन में कहाँ घूम पाएंगे? फिर कभी घूम लेंगे, अभी हम चलते हैं। चलिए। कौन प्रताप? कौन जगमाल? नए मंत्रिमंडल की घोषणा है, आप नहीं चलेंगे? चलेंगे ना दादा भाई, क्यों नहीं चलेंगे? हम तो सिर्फ देख रहे थे कि आप नए मंत्रिमंडल की घोषणा में अपने छोटे भाई को आमंत्रित करते या भूल जाते। अपने छोटे भाई को तो हम सपने में भी नहीं भुला सकते। आइए। वीर भाई जी, जब से हम वापस आए हैं हमें लगता है आप हमें टाल रही हैं। क्यों? हमारे कारण ही तो आप यहां से गई थी जीजा। ग्लानी से लतपत हम बात भी क्या करें आपसे? महल छोड़कर जाने का निर्णय हमारा था वीर भाई जी, और वैसे भी नियति के हाथ में सब कुछ होता है, भला बुरा सब। फिर आप क्यों अपने आप को झूठे अपराध बोध के आंच में जला रही हैं? कुछ नहीं किया आपने। इस नए महल में सारे संबंधों की नई शुरुआत करनी चाहिए। शहंशाह प्रताप के नए महल में दरबार वाले भाग पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हाँ मान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम इस दरबार में होने वाली हर छोटी से छोटी हरकत पर अपनी नजर रखो। हम सबका वध करने आए आपका नगराज जी। क्या? नहीं नहीं हुकम। तो फिर ये खंजर क्यों? ये तो बस हम भूल से ले आए। हम सच कह रहे हैं हुकम। आप इतना क्यों घबरा रहे खनकराज जी? और ऐसी छोटी मोटी छुरियां जो है हर किसी के पास है, आप खुद देख लीजिए। पता नहीं क्यों किंतु एक विचित्र सी अपने पल की तरंगे मिल रही हैं हमें आपसे। जैसे कि यहाँ ये जो कुछ भी चल रहा है आपका, वो नहीं कुछ और ही उद्देश्य है। आप कहना क्या चाहते हैं हुकम? राणा उदय सिंह की जय! 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 बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने और कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण राजकीय विभागों के प्रमुखों की एक सूची तैयार की। अब कुंवर प्रताप आपको वो सूची सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे प्रमुख अर्थात साथ महामंत्री, हमारे विचार से यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में इस पद के लिए या उस उपयुक्त व्यक्ति के नाम के लिए कभी कोई दुविधा नहीं हो। और चूंकि इस सर्वाधिक और महत्वपूर्ण पद के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति मेवाड़ में है वो और कोई नहीं, हमारे आदरणीय आचार्य राघवेंद्र जी।
आइए आचार्य जी। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु मेवाड़ की सेवा के लिए हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। वो हम अच्छी तरह जानते हैं आचार्य जी, और ये आप कई बार सिद्ध भी कर चुके हैं। किंतु इस समय हमारे गिरते स्वास्थ्य के कारण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पद को स्वीकार करें और इसकी गरिमा बढ़ाएं। राणा जी, जैसे आपको और प्रताप को उचित लगे, चित्तौड़ के महान शूरवीर आदरणीय स्वर्गीय चुंडावत स्वामी पीढ़ियों उन्होंने मेवाड़ के शासक और उत्तराधिकारियों की रक्षा को अपना धर्म माना। चित्तौड़ के महायुद्ध में मुगलों के विरुद्ध शौर्य भरे बलिदान से उन्होंने वीरता और त्याग एक अमिट और अद्भुत गाथा लिखा। और आज उनके उत्तराधिकारी किशन दास जी चुंडावत हमारे मत चुंडावत वंश को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व इन्हीं का ही है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया यहाँ आए और राजकोष संरक्षक को स्वीकार करें। हम पूरी विनम्रता और उत्तरदायित्व के साथ इस पद को स्वीकार करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपने काकोसा के भांति अपनी अंतिम सांस तक आपके दिए हुए इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। आप हमें दादा भाई कैसे कह सकते, आपके काका भी हमारे लिए पिता समान। अब हमारे मित्र जिनके साथ हमने कई युद्ध लड़े, डोड़ा जी, हम चाहते हैं कि आप इस नगर की सुरक्षा और नियम व्यवस्था से बाहर को सरक सकें। हमें पूर्ण विश्वास है कि उदयपुर की प्रजा बिना किसी भय और चिंता के आपकी निगरानी रानी चैन की नींद सोएगी। आई पद को स्वीकार कीजिए। हम पूरी निष्ठा से इस पद की गरिमा रखेंगे। उत्तम आते होते होते का नाम नहीं आया अभी तक। हमारे दाता राणा जी और कुंवर प्रताप के बहुत निकट थे। हमें पूरा विश्वास है कि राणा जी और कुंवर प्रताप ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सोचा होगा। कनकराज जी, आपके पिता स्वर्गीय देवीदास जी राणा जी के बहुत ही निकट और विश्वास पात्र थे। बचपन में वे हमारे बहुत ही प्रिय काका साबित है। और उसके उपरांत भी जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं की सहायता कर
देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। तुम ही मेरे काम के आदमी हो कनक राज, तुम ही मेरी आकांक्षाएं पूरी करने में मेरी सहायता करोगे।